एमपी में पहले ही किसानों को अतिवृष्टि की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं अब शाजापुर में प्राइवेट रोड बनाने वाली कंपनी ओरिएंटल के नाम के चलते किसानों की फसल नष्ट हो रही है, जिसे लेकर आज शाजापुर में सुनेरा के सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि खेतों में उड़ने वाली धूल एवं सीमेंट पाउडर से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। विगत 3 वर्ष से प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इस बार भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान ने आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। मैं ओरिएंटल कंपनी का जो प्लांट चलता है ग्राम सुनेरा में, उसके नज़दीक मेरी भूमि है, जो करीब 3-4 साल से प्लांट डला हुआ है, और उसका जो मलबा बनता है सीमेंट वीमेंट का, वो ज़मीन पे आके परत उसकी जमती, जिससे करीब 3 साल से भूमि में कोई खेती या फसल उपजाऊ हो नहीं पा रही है। तो 3 साल से फसल क्षतिग्रस्त हो रही है, और किसान के हालात आप देख रहे हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। सोयाबीन भी पैदा नहीं हुई है, लगातार कर्जे का बोझ बढ़ रहा है, और इस चीज़ में हम प्रशासन को 2-3 बार अवगत करा चुके हैं, आवेदन भी दे चुके हैं, बाकी इस ओर किसी का ध्यान गया नहीं, और किसी ने कोई जांच के आदेश नहीं दिए। जिस प्रकार से ग्राम सुनेरा के जो किसान साथियों द्वारा मेरे पास एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनकी समस्या को लेकर मुझे अवगत कराया गया, साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम सुनेरा में जिस प्रकार से ओरिएंटल प्लांट डला हुआ है, उसमें जो उड़ने वाले जो धूल है, उससे आसपास की जो उनकी भूमि है वो पूरी बंजर हो चुकी है। इसकी सूचना उन्होंने किसानों ने शासन और प्रशासन को 3 साल से लगातार करते आ रहे हैं, परंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज ऐसी गंभीर स्थिति में वो हैं कि उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत जिस प्रकार से मेरे पास किया था, उसमें उनकी आत्महत्या जैसी स्थिति भी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो हमारा प्रशासन से एक ही रहेगा अनुरोध कि या तो किसानों की समस्या का हल जल्द से जल्द करें, या फिर 10 दिनों के बाद में हम जिला प्रशासन को यह अवगत करा देंगे कि किसान किस प्रकार से अगर परेशान होता है तो उसके साथ में आम जनता के साथ साथ इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। 10 दिनों के बाद में अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 10 दिनों के बाद में हम बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर आंदोलन करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।